31 मार्च से शुरू होने वाला है आईपीएल, और उसके पहले ही मुंबई पुलिस ने 60 बुकीज को यानी सट्टेबाज जो है उन्हें आइडेंटिफाई किया, और साथ ही साथ 18 बेटिंग ऐप जो थे उन पर बड़ी कार्रवाई की है। और सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अंकित का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अंकित, ये बड़ी कार्रवाई के तौर पर मुंबई पुलिस द्वारा देखा जा सकता है। बस आपको बता दें कि आज 29 तारीख है, 31 से आईपीएल शुरू हो रहा, उससे पहले बैटिंग के जो एप्स हैं वो 18 एप्स जो है पुलिस ने कार्रवाई की है, साथ ही साथ 60 सट्टेबाजों का नाम सामने आया, बड़ी कार्रवाई है ये। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 31 तारीख से आईपीएल जो है वो शुरू होने जा रहा है, और पिछले कई दिनों से मुंबई की जो पुलिस है उनकी इन सारी चीज़ों पे नज़र थी। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि सबसे बड़े बुकी जो है वो अनिल जयसिंघानी, उनके अरेस्ट के बाद मुंबई ज्यादा अलर्ट हो चुकी है। और इसमें मैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताना चाहूंगा कि ये जो बैटिंग की जो रैकेट है, ये जो बैटिंग है, इन्होंने लेना शुरू कर दिया था 31 मैच के लिए, और उसी के साथ साथ कुछ कोड लैंग्वेज जो है उस कोड लैंग्वेज का भी इस्तेमाल हुआ है इसमें। तो मुंबई पुलिस अभी भी पूरी तरह से अलर्ट है, और जो भी नाम है जो मुंबई पुलिस ने डिक्लेयर किया है, ये नाम का पूरे बुकीज के नाम जो है पूरी सामने आए हैं। और इसी के साथ साथ ये जो रैकेट है इनका प्लान मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हर दिन, आप बताना चाहूंगा कि हर दिन 600 करोड़ रुपया कमाने का इनका पूरा प्लान था ये मुंबई के 2023 के आईपीएल में। अभी तक जांच चल रही है, और इसी के साथ साथ सोर्सेस से पता ये भी चला है कि जल्द से जल्द मुंबई पुलिस इन सारे लोगों को गिरफ्त, अरेस्ट भी करेगी, अपने गिरफ्त में भी लोगी, और इन्वेस्टिगेशन भी इसमें करेगी।